हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन कोडिंग डॉट कॉम। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारा स्नैक जो है तो उसको हमने अपडेट कर लिया, उसको हमने डिस्प्ले कर लिया, उसका फूड भी हमने डिस्प्ले कर लिया, उसका स्नैक को और उसके फूड को भी हमने डिस्प्ले कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने कमेंट दिया है, इफ़ यू हैव ईटन द फूड इंक्रीमेंट द स्कोर एंड रीजनरेट द फूड। मतलब इससे क्या होगा, स्कोर जो है हमारा तो वो इंक्रीमेंट हो जाएगा और फूड जो है तो वो भी रीजनरेट हो जाएगा। मतलब स्नेक जो है हमारा तो उसने फूड खा लिया, उसके बाद फूड जो है तो वो वहां से हट के किसी और जगह पे वो रीजनरेट होगा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले स्नेक एरे लिया है 0y इक्वल टू फूड ऑफ y अगर हुआ और स्नेक एरे x इक्वल टू फूड ऑफ x हुआ, तो सबसे पहले फूड वो जो खाएगा तो वो सबसे पहले तो साउंड प्ले करेंगे, मतलब वहां पे वो फूड खाएगा तो वो साउंड प्ले होगा और फिर उसका स्कोर जो है तो वो एक से इंक्रीमेंट हो जाएगा। ओके, और अगर वो कंडीशन यहाँ पे हमने डाला है कि वो स्कोर जो है तो जो अभी स्कोर आया है वो स्कोर अगर ग्रेटर हुआ देन द हाइयर हाई स्कोर, मतलब जो हमारा हाई स्कोर का वैल्यू है वो अगर करंट स्कोर से ग्रेटर हुआ तो वो उसको हमारा हाई स्कोर बना देगा, मतलब उसको हाई स्कोर में वो स्कोर जो है तो वो स्टोर कर देने का। अगर छोटा हुआ तो वो हाई स्कोर नहीं बनेगा, जो सबसे ज्यादा हाई स्कोर होगा तो वो वहां पे डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे हाई स्कोर में ये जेसन यूज करके हम यहाँ पे वो स्कोर भी डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, और अब वो सेट आइटम करके वहां पे हाई स्कोर जो है तो वो भी सेट हो जाएगा और इनर एचटीएमएल में हमारा हाई स्कोर जो है अपने हमारे बोर्ड में प्रिंट हो जाएगा और हमारा स्कोर जो है तो उसको भी हम इनर एचटीएमएल करके सिमिलरली स्कोर को भी प्रिंट करेंगे और हाई स्कोर को भी प्रिंट करेंगे, मतलब ये एक साथ अपडेट दोनों होते रहेंगे। ओके, और यहाँ पे भी हमने क्या किया है, देखिए अनशिफ्ट नाम का हमने मेथड यूज किया है। इस मेथड से मैं क्या कर रही हूँ, ये एरे जो है तो इस एरे को, कौन सा एरे, स्नेक वाला जो एरे है तो ये इंक्रीमेंट, मतलब स्नेक भी आगे 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 बढ़ता जाएगा, पीछे स्नेक का पीछे का जो पार्ट है तो वो पार्ट कट होता जाएगा और स्नेक आगे 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 बढ़ता जाएगा। तो इसलिए मैंने ये वाला जो कंडीशन लिखा है तो ये वो हो रहा है। ओके, यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल लिए हैं, ए का वैल्यू मैंने 2 सेट किया है, बी का वैल्यू 16 सेट किया है, ये राउंड ऑफ करके ये जो है तो वो हमारा लाइक वैल्यू यहाँ पे सेट हो जाएगा। देन हम अपने स्नैक को मूव कैसे करेंगे, मतलब स्नैक ये तो सारा फूड का हो गया, मतलब फूड जो एक तो स्कोर हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं, उसको हाई स्कोर सेट कर रहे हैं और फूड जो है तो उस फूड को हम रीजनरेट कर रहे हैं। अब स्नैक को मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर लूप डाला है, उसमें कंडीशन लिखा है और इस कंडीशन में ये देखिए स्नैक एरे लिया है जिसको आई प्लस वन कर रही हूँ यहाँ पे, और ये मैंने क्या किया है, स्नैक जो है तो इसको मूव करना है, तो मूव करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट जो है तो वो इनपुट डायरेक्शन एक्स करेगा और स्नेक एरे का वाई कोऑर्डिनेट जो है तो उसको भी प्लस इक्वल्स टू इनपुट डायरेक्शन वाई करेगा, इससे हमारा स्नैक जो है तो वो आगे 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 इंक्रीमेंट होता जाएगा। ओके, मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, ये देखिए अभी अभी ये फिलहाल वर्क क्यों नहीं कर रहा है, तो ये वर्क कैसे करेगा ये मैं अपने अगले लेक्चर में आपको दिखाऊंगी। आई होप आज के लेक्चर में सिखाए हुए सारे पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट और एनी क्वेरी यू कैन पुट योर क्वेश्चंस इन द Q&A सेक्शन। थैंक यू।